आज यहाँ पर राजनांदगांव जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला निःशुल्क एक दिवसीय आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह आज हम द्वितीय चरण में इसका आयोजन कर रहे हैं। इस शिविर में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी पद्धति द्वारा विविध मरीजों को विविध प्रकार की बीमारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा, औषधि एवं विविध प्रकार की जाँचों का की सुविधा दी जा रही है। यहाँ पर सभी रोगियों के लिए शुगर की और हीमोग्लोबिन जांच भी की जा रही है, साथ में पंचकर्म की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध है। मतलब शिविर में जैसे लोग आ रहे हैं और जैसे शिविर के बाद अगर और भी दवाइयां या उनके हमारे यहां पर जब शिविर में अभी हमारे यहां रोगियों को 10 दिन की दवाइयां निःशुल्क दी जा रही हैं और उसके पश्चात अगर उनको और विशेष परामर्श की आवश्यकता अनुसार या दवाइयों की और अधिक आवश्यकता है तो उसके लिए फिर हमारे जो ज़िले में स्थापित संस्थाएं हैं, विविध संस्थाएं हैं, होम्योपैथी सेंटर औषधालय हैं और आयुष पॉली क्लिनिक, आयुष विंग, यहाँ पर ये आप जा सकते हैं जैसी इनको आवश्यकता है उसके हिसाब से। इसका उद्देश्य यही है कि हम हर व्यक्ति तक पहुँचें और पूरे राजनांदगांव ज़िले को लाभान्वित करें, इस उद्देश्य से हमने लगाया है। और हम चाहते हैं, वैसे तो पहले के और अब के इसमें काफ़ी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हुआ है और काफ़ी मात्रा में आयुष संस्थाओं में रोगी आने लगे हैं और हम यही इन शिविरों के माध्यम से यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से लाभान्वित हों, ऐसा हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम है कविता साहू और हम लोग आए हुए हैं आज आयुर्वेदिक विभाग में। और आइए हम लोग पता करते हैं कि उनको कैसा लगा कि आज आयुर्वेदिक विभाग में आए हुए हैं, तो आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी मैथ्यू है, हम राजनांदगांव से है, सहदेव नगर से। और जितना भी आयुर्वेद से हमने मेडिसिन लिया है वो काफ़ी फ्रूटफुल है, पेट संबंधी और हाथ पैरों का दर्द संबंधी। मेरी बेटी का बाल बड़ा नहीं हो रहा था तो मैंने इसी मेडिसिन से जब मैंने उसको दिया तो हेयर फॉल उसका रुका और बाल भी बढ़ना शुरू हुआ। तो रिजल्ट्स जो मुझे लगा तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसका सबसे अच्छा तो यह है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। हम लोग एलोपैथी लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कई तरह के, तो इसमें लिया हमने तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और भले थोड़ी देर से रिज़ल्ट आता है लेकिन इतना भी है कि पूरा का पूरा जड़ सही तो हमको उस बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद की दवाई से जुड़े और इसका लाभ उठाए, क्योंकि हम लोग एलोपैथी लेते हैं तो काफ़ी प्रकार की प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा, बेहतरीन रिज़ल्ट है। मैं लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप लोग सभी लोग ये जो नस है मेरे पैर की, इसमें मेरे को तकलीफ क्या, बहुत खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो मैं वहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल जो वहाँ गया चिखली में, आयुष पॉली क्लिनिक, और दिखाया अपना, और वहाँ का जो ट्रीटमेंट है मेरे को उससे 95% आराम हो गया। अब भाजनबाड़ी तो अपने शहर के बीच में है तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया और बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब से भी मिला मैं, अच्छा लगा मेरे को। मतलब आपको पहले से बहुत अच्छा महसूस? पहले से बहुत अच्छा, मतलब 95% आराम हो गया। मैं तो खड़ा नहीं हो पाता था, अभी लगभग दौड़ रहा हूँ मैं। संतोष अग्रवाल। नमस्कार, मैं चुलेस। आज 18 मार्च दिन शनिवार को राजनांदगांव जिले के आयुष विभाग द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक सेवा का आयोजन किया गया है जिसमें मैं और कविता पहुँचे हैं। तो मैं कविता से पूछना चाहूँगी कि उन्हें आकर यहाँ क्या क्या पता चला। यहाँ बहुत सारे निःशुल्क स्वास्थ्य के इलाज के लिए आए हुए हैं जो बहुत सारे लोग हैं यहाँ निःशुल्क का लाभ लेने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए आए हुए हैं। जो बहुत लोग हैं जो लोगों को दवाइयाँ मिल रही है निःशुल्क में, और बहुत से लोग जो पहले से अभी आते हैं और अभी भी आए हुए हैं, ये लोग जानना चाहते हैं कि ये दवाई का इलाज तो करवा रहे हैं और बहुत से फ़ायदे को भी बताएं, और यहाँ सरकार के नियमों का पालन भी कर रहे हैं और आगे भी पालन करते रहेंगे। इस
इसके लाभ आइए आप भी और लाभ उठाइए इसका।